आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लूटाथियोन टैबलेट्स के बारे में। तो गाइस, ग्लूटाथियोन टैबलेट्स के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, लेकिन मैं आज आपको उसके बारे में, अगर नहीं सुना होगा तो पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो किस टाइप्स के होते हैं और उनसे क्या बेनिफिट हमें मिलता है। गाइस, आप गोरा होना चाहते हैं, हर इंसान गोरा होना चाहता है, हर लड़की गोरी होनी चाहती है, हर लड़का गोरा होना चाहता है, सभी चाहते हैं कि मैं गोरा हो जाऊं। अगर वो थोड़े शेड्स कम हैं, थोड़ी सांवली सूरत है, तो वो सब चाहते हैं कि हम फेयर हो जाएं। और फेयर होने के लिए बहुत सारी क्रीम्स जो ऐड में आती हैं वो सब यूज करते हैं, घरेलू नुस्खों यूज करते हैं। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि मैं आपको हर वीडियो में, जो भी फेयर वाली वीडियो मैं बनाती हूँ, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो आपका कलर है, आप उससे हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा खुश रहिए। भगवान ने जो आपको कलर दिया हुआ है, सोच कर ही आपको वो कलर मिला हुआ है, तो इसलिए आपको जो चीज़ मिली है आप उससे हमेशा खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं सांवली हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं उस तरह से हूँ। तो जो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, अपने माइंड से प्लीज़ इन चीज़ों को निकाल दें। आप गोरा होना चाहते हैं तो प्लीज़, मैं आपको ये आज बताने जा रही हूँ कि गोरा आप कैसे हो सकते हैं, और वो मेडिकल के हिसाब से आपको आयुर्वेदिक नुस्खे आज मैं नहीं देने वाली हूँ, आज मैं मेडिकल के हिसाब से आपको बताऊँगी कि आप कैसे गोरे हो सकते हैं। लेकिन इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सटर्नल ब्यूटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल ब्यूटी हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मैरिज के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो एक्सटर्नल ब्यूटी पे नहीं देना है, वो आपको इंटरनल ब्यूटी पे देना है। क्योंकि जो आप लॉन्ग टाइम उसके साथ आप रहेंगे, लॉन्ग रिलेशनशिप में रहेंगे, तो आप सिर्फ ब्यूटी को अगर ध्यान में देखकर चलेंगे तो आप लॉन्ग रिलेशनशिप को नहीं निभा सकते हैं, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म तक ही चल पाता है। लेकिन आप इंटरनल ब्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं एंड देन उसके बाद आप फेस की ब्यूटी को, एक्सटर्नल ब्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा और आप दोनों बहुत ही पेयर जो हैं खुश रहेंगे। तो आप इन चीज़ों का, प्लीज़, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मैरिज करें, अपने पार्टनर में ये खूबियाँ ढूंढें तो उसके इंटरनल खूबियों को ढूंढें, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल खूबियों को देखें। और सभी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि अगर आप बहू ढूंढने जा रहे हैं तो इंटरनल ब्यूटी को प्लीज़ प्रायोरिटी दें, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी को। एक्सटर्नल ब्यूटी हमेशा सेकेंड पर रखें, फर्स्ट रखें इंटरनल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, चलिए गोरे होने का जो आज ये मेडिकल रूप है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इन टैबलेट्स को कैसे लेनी है, नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो आपके ऊपर ये कोई बेनिफिट नहीं करेगा, कोई आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये जो ग्लूटाथियोन की टैबलेट है, ये आप इजीली ले सकते हैं घर पे, अगर आप बिना डॉक्टर को दिखाए, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि आप डॉक्टर को जाके दिखा सके, क्योंकि प्राइवेट में आप जाते हैं दिखाने तो ऑब्वियसली स्किन जो डॉक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं फीसें, तो अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आप बिना दिखाए भी बेझिझक आप 1000 mg का टैबलेट ग्लूटाथियोन का ले सकते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 1500 mg तक का भी आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का मैं नहीं बोलूँगी कि आप लें। अगर इससे ज़्यादा का आप लेना है तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही लें, डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको रिकमेंड करें, वो आपकी स्किन टोन देखते हैं, फेयरनेस देखते हैं कि आपकी कितनी फेयरनेस है और कैसी स्किन टोन है, उसके हिसाब से वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ही वो आपको मेडिसिन देते हैं, मिलीग्राम की मेडिसिन आपको देते हैं। तो आप जब भी, अगर आप एट होम कर रहे हैं तो आप हमेशा 1000 mg और 1500 mg के बीच में ही रहे, उससे ज़्यादा का रिकमेंड ना करें। ग्लूटाथियोन जो है वो 3 फॉर्म्स में आती है, फर्स्ट है टेबलेट,
सेकेंड है इंजेक्टेबल एंड थर्ड है स्प्रे। तो जो थर्ड है स्प्रे के रूप में आप ले सकते हैं, ये इतना चलता नहीं है, लेकिन जो सेकेंड है जो टैबलेट है वो काफ़ी ज़्यादा चलन में है, और जो थर्ड है इंजेक्टेबल ये बहुत ज़्यादा असर करता है। इसको कहते हैं कि मतलब ये बहुत जल्दी रिजल्ट देने लगता है। जो इंजेक्टेबल होता है ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आपके दिखने लगते हैं, आपकी स्किन पे आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आने लगते हैं। तो इंजेक्टेबल अगर आपको जल्दी चाहिए रिजल्ट तो इंजेक्टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन इंजेक्टेबल कभी भी एट होम ना लें, आप हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में ही आप इंजेक्टेबल लें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको इंजेक्ट करेंगे, डॉक्टर ही आपको देंगे, तो वो सबसे बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, अपने फेस में चमक चाहते हैं, अपने फेस में ग्लो चाहते हैं, अपने फेस को 2-3 सेट्स गोरा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने और जो एक्ने हैं जो पिंपल्स हैं जो मार्क्स हैं उसके निशान अगर आपके फेस पे हैं उसे हटाना चाहते हैं तो भी आप ग्लूटाथियोन की ये टैबलेट्स ले सकते हैं। और मैं सेकेंड चीज़ जो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स लेने के टाइम आप हमेशा इसकी क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखें, अच्छी ब्रांड का लें, अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट करे, ना कि आप लोकल ब्रांड का लें, लोकल क्वालिटी कोई चाइनीज क्वालिटी ले लें जो आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना करे। तो हमेशा ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स लेने के टाइम में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। और अगर ग्लूटाथियोन की टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी की टैबलेट भी ज़रूर लें। अगर विटामिन सी की टैबलेट नहीं लेंगे तो ग्लूटाथियोन की टैबलेट हो सकता है कि आपको इतना असर ना करें, उसका रिजल्ट शायद आपको ना नजर आए। तो ग्लूटाथियोन की टैबलेट के साथ में आपको विटामिन सी जरूर लेना है। एक टैबलेट ग्लूटाथियोन की लीजिए 1000 mg की, एंड 1 टैबलेट आप विटामिन सी की लीजिए, और दोनों को एक ग्लास वाटर में ऐड करिए और मिक्स करके आप उसको पी लीजिए। आप चाहें तो उसमें जिंक की एक टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, और भी कुछ आप जानकारी चाहते हैं ग्लूटाथियोन के बारे में तो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि अगर आप ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान जरूर रखें, सन एक्सपोजर बहुत कम करें, और बाहर जब भी निकले तो आप सन स्क्रीन लोशन या सन स्क्रीन टैबलेट लेकर ही निकलें, तभी आपका जो बेनिफिट ग्लूटाथियोन से मिलना है वो मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, इन बातों का ज़रूर ध्यान दें, और अगर ये वीडियो आपको आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। एंड आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को होगा उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टिल देन नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।